तकरीबन 4:15 बजे मेरे पास मेरे भांजे का फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो विश्वास ही नहीं हुआ कुछ। काफ़ी देर तक तो यही सोचते रहे क्या हो गया क्या हो गया, फिर आपस से बस एक दूसरे को फ़ोन करते रहे कि क्या हुआ, कैसे करना है, कहाँ जाना है। धीरे धीरे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो दिल्ली में ही है, ऐसे हार्ट अटैक आया उन्हें, बस इतना ही पता। अभी तो अब उनको देखने आ गए हैं क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और उनको दिल्ली से प्यार था, चाहे वो भले ही वो मुंबई में रह रहे थे, इतने टाइम से चले गए थे, पर दिल्ली में उनके प्राण बचते थे। और देखिए आप दिल्ली में उनके प्राण निकले हैं शुरू से, आपको मालूम होगा करोल बाग को उन्होंने कितना फेमस किया, हर अपने इंटरव्यू में उन्होंने करोल बाग का नाम लिया, करोल बाग में रहते थे, तो मतलब दिल्ली से उनको बहुत प्रेम था। देखो मेरे को इतना हैरानी हो कि दिल्ली में उनके प्राण गए हैं। बेटा मैं क्या कहूँ, बेटे काश मैं ऐसा कुछ कर सकती कि सांस डाल दूँ अपनी, पर क्या करूँ बेटे, मेरी कोई दुआ सुन ले अगर मैंने सच्चे मन से कभी भगवान का नाम तो सांस चल जाए। देख लेना कई बार ऐसी सांस चल जाती है ना अचानक, ऐसे हो जाए बेटे तो ये दुआ करना तुम, और मेरे को जरूर दिखा देना बेटे, उनका चेहरा देख लो, देखो इधर से कहाँ से आएंगे वो, क्या करूँ मैं बाबा जी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, वो तो बहुत छोटे थे, अभी उनकी बड़ी बहन है, बड़ा भाई, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, बहुत मुश्किल है उनका बर्दाश्त करना बेटा। मम्मी के पास आते रहते थे ना वो, तो हम उन्हीं गुरुग्राम में चले जाते थे हम लोग। टाइम तो मैंने नहीं देखा, अभी आए थे थोड़े दिन पहले आए थे, अब थोड़े दिन अपने गांव जाते रहते थे, उनकी कुलदेवी है, कुलदेवी है महेंद्रगढ़, वहाँ जाते थे, वहाँ पूजा वूजा करके आते थे, बहुत वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत काम किया बेटे उन्होंने। काम तो बहुत करते हैं लोग, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन ये ऐसे थे जो अपना कभी उसका क्रेडिट नहीं लेते थे, खुद कभी क्रेडिट नहीं, किसी उसको रियलाइज ही नहीं करने देते, सामने वाले को रियलाइज नहीं होने देते थे कि भाई मैंने इसके लिए कभी कुछ किया है, अपने मुँह से कभी अपनी तारीफ नहीं करी उन्होंने। शानदार शख्सियत, अभिनय बॉलीवुड में खूब नाम कमाया, खूब नाम कमाया, रियल लाइफ में उन्होंने लोगों के दिल में जो जगह बनाई ना बेटे अपने प्यार से, और उससे बहुत लोगों का उन्होंने काम किया, वो तो खैर याद रखेंगे, लेकिन वही है अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेता है, तो बस ये क्या कहूँ मैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं बेटे अनीता शर्मा, मैं भांजी हूँ उनकी सगी, मुझे अपने हाथों में, मुझे मैं छोटी सी थी, मेरे को अपने हाथों में बड़ा किया उन्होंने, मैं कैसे भूल जाऊँ, मेरे पिता समान थे।